अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बाख़ैर और आफियत होंगे, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते रहें और खुश रहें। जी तो पाकिस्तान घूमते फिरते हम पहुंच चुके हैं आज गिलगित बल्तिस्तान में, और शेयर करवाएंगे आपको वहां की जो एक पहाड़ी और खूबसूरत तरीन हमारे पाकिस्तान का इलाका है, यानी कि इसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है और माना भी जाता है। भाई मैं तो मानती हूँ कि इंतहाई खूबसूरत इलाका है गिलगित बल्तिस्तान। जी तो आप हमारे साथ रहें और आज सैर करें हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान की। जी तो कश्मीर मगरिब में, सुबह खैबर पख्तूनख्वा शमाल में, अफगानिस्तान के वाखा, गिलगित बल्तिस्तान 28,174 मुरबा मील के रकबे पर मोहित है और इंतहाई पहाड़ी इलाका है। 2013 में इसकी आबादी 1.249 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल थी। ये खित्ता सतह समंदर से 8,000 मीटर बुलंद दुनिया की 14 बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से 5 का घर है, और इसके अलावा 7,000 यानी के 23,000 फीट से ऊपर की 50 से ज़्यादा पहाड़ी चोटियां यहीं पे मौजूद हैं। ज़मीन के कुतबी खित्तों से बाहर दुनिया के 3 तवील तरीन ग्लेशियर्स गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाते हैं, और सियाहत की अहम सरगर्मियां ट्रैकिंग और कोपेमाई भी गिलगित बल्तिस्तान में ही होती है। जब गिलगित बल्तिस्तान में हम पहुंच ही चुके हैं तो यहाँ की झीलों का जिक्र ना किया जाए ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ की जो झीलें हैं इंतहाई खूबसूरत और पूरी दुनिया के जो सियाह हैं उनको अपनी तरफ खींचती चली जाती हैं। पूरी दुनिया के लोग इन झीलों को देखने के लिए दूर दूर से गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। इन झीलों में जो सरे फहरिस्त झीलें हैं वो है अताबाद झील, रामा झील, शंग्रेला झील, कचोरा झील, रश झील, श्योसर झील, करम्बर झील, खलती झील, फंडे झील, खांचे झील, नलतर झील और रश झील सरे फहरिस्त हैं। इन झीलों को देखने के लिए आप भी एक दफ़ा तो ज़रूर इन इलाकों का रुख करेंगे, और इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर जाऊंगी। अभी तो नाम सुना है और आपको बता रही हूं, लेकिन इस वीडियो में आप इन झीलों को देखेंगे और इंजॉय भी करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों में से यानी कि 50 में से 18 गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, और तवील तरीन ग्लेशियर्स में से यानी कि दुनिया के 7 बड़े ग्लेशियर में से 3 गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाते हैं। जंगलात में महमजोई अमन और खूबसूरती की कसरत के साथ गिलगित बल्तिस्तान कोहपैमाओं को पैदल सफर करने वालों और ट्रैक्टर्स के लिए एक मशहूर मुकाम है। गिलगित बल्तिस्तान को ये एजाज़ भी हासिल है कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में से K2 गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, जिसे माउंटेन गुडविन ऑस्टन भी कहा जाता है। K2 बल्टारो ग्लेशियर्स के करीब पाक चीन सरहद पर वाक़ है, जो 28,250 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। K2 के 2 दाखिली रास्ते हैं, लेकिन चीन की जानब से इंतहाई सख्त दुश्वारियों की वजह से K2 ज़्यादातर पाकिस्तान के दाखिली रास्ते से नस्ब है। K2 पर चढ़ने की जो मुश्किलात हैं उसको हॉलीवुड की कई फिल्मों ने फिल्माया है, जैसे कि K2 वर्टिकल लिमिट एंड K2 सायरन ऑफ द हिमालयाज एंड द सुमिट में दिखाया गया है। खूबसूरत वादियों में घिरा गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ बात की जाए पहाड़ी सिलसिलों की तो नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है। ये मगरबी हिमालय द्यामर और गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। 8,126 मीटर यानी के 26,660 फीट की ऊंचाई के साथ नांगा पर्वत को कातिल पहाड़ के नाम से जाना जाता है। ये दरियाए सिंध से घिरा हुआ है। नांगा पर्वत की चढ़ाई इंतहाई मुश्किल समझी जाती है, क्योंकि इसकी वजह से मुतअद्दिद अमवात हो चुकी हैं। जिन फिल्मों में इस पहाड़ को दिखाया गया है इनमें
द क्लिम सेमन ईयर इन टिबेट एंड नांगा पर्वत। गिलगित बल्तिस्तान के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं। मेहमान नवाजी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे खानों की बात तो होगी ना। यहाँ बहुत सारे खाने हैं जिन्हें मुकामी लोग खाना पसंद करते हैं। मुकामी क्या, आने वाले जो सियाह हैं, यानी कि आने वाले सैर करने वाले जो लोग हैं, वो भी इन खानों को इंतहाई पसंद करते हैं, जिनमें कुछ रवायती अशिया जो इस शानदार वादी का एक ख़ास तोहफा हैं, जो हम आपके साथ भी शेयर करने वाले हैं। जी तो सुने, चेशोरो यहाँ की एक ख़ास डिश है, बोरोशापिक, देरम पट्टी, टोमोरो चाय, होलो गर्मा, बटरिंग डोडो, हरीसा, वाह हरीसा तो हमारे लाहौर का भी मज़े का वैसे होता है, और मोलेडा शापिन। ये सारे फेरिस्त खाने हैं जो कि इंतहाई मज़े के हैं। हम भी जाने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान बहुत जल्द। उम्मीद है कि हमारी ये खूबसूरत वादियों में घिरी हुई वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमने आपको घुमाया पूरा गिलगित बल्तिस्तान और इसकी खूबसूरत वादियों की, झीलों की, पहाड़ों की, केटों की सैर करवाई। सैर सपाटे करना किसको नहीं पसंद, आपने भी ज़रूर इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो हमारे साथ यानी कि वॉकआउट विद साइमा के साथ रहें, हम आपको घुमाने वाले हैं पूरी दुनिया। घूमने के लिए तैयार रहिए। तो हमारे चैनल वॉकआउट विद साइमा को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। हम आपकी राय के मुंतजिर रहेंगे।